आजाद कर कभी शमसी के नाम आमीन। ये और जोय लगा रहे ठीक है। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन का नाम परमिला है और ये जनकपुर के रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही है कि ये बहन को एक महीने से शैतानी अटैक्स होते थे। ये बहन बता रही है कि इनको लगता था कि इन्होंने जिस चीज को छुआ है वो चीज जल जाती थी। और ये बहन बता रही है कि स्वप्न ने भी इस बहन को बहुत ही ज्यादा शैतानी अटैक्स होते थे, जिस वजह से ये बहन सो भी नहीं पाते थे। और ये बहन इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थे। लेकिन इस बहन को किसी ने पर्सनल डैनियल मिनिस्ट्री टेंट चर्च के बारे में बताया और ये बहन 7 अप्रैल को इस चर्च में पहली बार आए और आपसे ले प्रेयर करवाई। इस बहन की गवाही है कि प्रेयर को रिसीव करने के बाद और ये शैतानी अटैक से आजाद हो चुकी है। क्या इनको महसूस होता था, ये क्या आपको बताती थी, ध्यान से सुनेंगे। ऐसा लगता था कि सपने में बहुत बुरे-बुरे चीज़ दिखते थे। क्या दिखता था इनको, कुछ आपको क्या दिखता था? जला अच्छा, दांत वाला कुछ शैतान दिखता था आपको। कितने दिन से, कितने साल से? एक महीने से आपको ये सब दिख रहा था। अच्छा, फिर उनको दो, फिर क्या हुआ? फिर ये सो भी नहीं पाती थी, परेशान रहती थी, इस कारण ज़्यादा बोलती थी, नाचती थी। फिर मम्मी से भी परेशान रहने लगे। फिर अचानक ये जिस चीज को छुआ था उसमें अपने आप आग लग गए। अच्छा। जो बिस्तर पे सोई थी सारे कपड़े भी जल गए। अच्छा। बस इनके इनके बच्चों को, फिर दूसरे कपड़े नहीं जले हमारे भी। ऐसे ऐसे अटैक इनको हो रहे थे। अच्छा, फिर मैंने इसको कहा कि हाँ ठीक हो जाओ। अच्छा, आप लेकर आए थे इनको चर्च में? अच्छा, से आए तो अच्छा। आने में लगे। अच्छा, नेपाल से हैं? फिर आए तो फिर ठीक हो गए। अच्छा, फिर यहाँ पर इनके पर ले हैंड हुआ है और ले हैंड के बाद ही बिल्कुल ठीक है। अब रात में कुछ दिखता है? अब कुछ अब कोई परेशानी होती है? अब कुछ आग छूते हो तो कुछ आग होगा? वैसे अटैक खत्म? तारीफ करो जोर से। हालेलुया बोलो।